सो नया दिन, नया क्वेश्चन, नए चैलेंज। और हेलो गाइस, मैं हूं सीबू, गेम पोर्टल 3.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम खेल रहे हैं ब्रॉल स्टार्स का अगला पार्ट। जिसमें पिछले बार तक मैंने एक अचीवमेंट पूरा कर लिया था, जिसमें थे मैंने 700 ट्रॉफीज कलेक्ट कर लिए थे। अब देखते हैं कि क्वेस्ट कौन कौन सा मेरे पास में ओपन है। बहुत सारे क्वेस्ट है जिसको कंप्लीट करना है, बहुत ही कम टाइम है, तो सबको एक एक करके कंप्लीट करना है। मतलब देख रहे हो आप, देर आर टू मैनी, इतने सारे क्वेस्ट हैं कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा इनको कंप्लीट करने में। और गाइस, आपको एक बात और कहना था कि भाई प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अरे भाई यही नहीं, आगे आने वाली ऐसी सीरीज़ की कई सारी वीडियो आएंगी, वो सभी को लाइक कर देना। तो अभी कई सारे इवेंट्स अनलॉक हुए हैं, जिसमें एक है ये रोबो रंबल, इसे खेल कर देखते हैं। ये पहली बार आया है, मैं तो पहली बार खेल रहा हूँ, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो देखते हैं इसको खेल के कि होता क्या है इसमें। तो एक फ्री आइटम मुझे मिला है, ये है टोकन डबलर, वो भी 80। ठीक है, कोई बात नहीं, 80 भी बहुत होते हैं भाई, मेरे को टोकन डबलर्स मिलेंगे। अभी देखते हैं कि इस ब्रॉलर के साथ खेला जाए। अभी 55 ब्रॉलर में से मेरे पास 5 अनलॉक कर चुका हूँ, सॉरी 9 अनलॉक कर चुका हूँ, 9 ब्रॉलर है मेरे पास में अभी। और मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक मैं 55 को अनलॉक नहीं कर देता। तो चलो आगे देखेंगे, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। तो पहले मैं एल प्रीमो के साथ खेलता हूँ, और अभी ये रोबो रंबल को खेल के देखते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो ओके, इसमें एक हमारे पास में एक सेफ रखी हुई है जिसका हेल्थ दिख रहा है मुझे, तो हमको शायद इसको डिफेंड करना है। वेव 1 आ चुकी है, ओ यहाँ रोबोट्स आ रहे हैं। ओके, इन रोबोट से हमको उस सेफ को बचाना है, और ऊपर टाइमर भी चल रहा है, यानी कि 2 मिनट के अंदर हमको इस सेफ को बचाना है, 2 मिनट तक इसको बचाए रखना है। तो मेरे साथ में 2 प्लेयर और हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, तो दोनों देखते हैं। एक तो मैं हूँ, और उसके अलावा एक रोज़ा है, ठीक है, वो अच्छी प्लेयर हो सकती है, और तीसरा कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर ठीक है, अभी तक तो हमने बहुत अच्छा किया है। ओ चारों तरफ से अटैक हो रहा है, यहाँ 2 और हैं, इनको अभी मैं बताता हूँ। भाई सबसे प्रॉब्लम ये है कि इसकी हेल्थ तो ठीक है, लेकिन इसे काफ़ी पास जाके अटैक करना पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। लगता है मैंने गलत ब्रॉलर चुन लिया इस मोड के लिए, गेम मोड के लिए। और तो यहाँ से अटैक हो रहा, दोनों तीनों तरफ से एक और बहुत सारे लोग अटैक कर रहे हैं, और बिग रोबो इनकमिंग। मतलब कि इन छुटके मुटके रोबो से तो काफ़ी लड़ाई होगी, अभी बड़े वाले बॉस से लड़ाई करना बाकी है। अच्छा, तो एक बड़ा बॉस भी है जो हमारे सेफ को तोड़ने के लिए आ रहा है, तो उससे, ओ ये बहुत ही बड़ा है, ये तो काफ़ी बड़ा है भाई। मैंने सुपर भी एक्टिव किया, लेकिन ओ काफ़ी इसे डैमेज तो कर रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओहो, वेव 6 तक हम पहुँच गए हैं, केवल 47 सेकेंड मुझे बचा के रखना था। और भाई मैं गया हूँ, अभी मेरे दो जो प्लेयर हैं वो अटैक कर रहे हैं, अभी मैं स्पॉन हुआ हूँ। अभी देखते हैं, यहाँ एक रोबोट है भाई, छोटे रोबोट भी अटैक कर रहे हैं, मतलब बड़ा तो बड़ा, बाकी सब भी अटैक कर रहे हैं, और सुपर एक्टिव करने से भी उतना ज़्यादा डैमेज उसको हो नहीं रहा है। और भाई लगातार अटैक हो रहा है हमारे पर, और गया काम से मैं। और भाई मेरे प्लेयर अगर उसे मार पाए तो ठीक है, वरना तो गए काम से हम लोग। मेरा सेफ तो बचने वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 18 सेकंड बाकी है, और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ और ख़त्म हो गया। मतलब 16 सेकंड से बचे भाई, 16 सेकंड और हो जाता तो हम बच जाते थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है। डील डैमेज जो करने का था वो मेरा क्वेस्ट कंप्लीट हो रहा है। एल प्रीमो से काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया मैंने उसको, लेकिन ठीक है, अब समझ में आ गया है कि उसको रोबो रंबल को खेला कैसे जाता है। तो चलो ठीक है, 2 मिनट तक डिफेंड करना है, और कई सारी वेव्स आते, 6 या 7 वेव्स आई थी उसकी। तो किस प्लेयर से खेला जाए, किस ब्रॉलर से खेला जाए, देखा जाए। मुझे लगता है कि इसमें शैली काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि उसका जो डैमेजिंग पावर है बहुत ही अच्छा है, उसका सुपर जो होता है ना वो सुपर से भी ऊपर होता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है वो, फैंटास्टिक। उसमें पास में जाके अगर किसी के ऊपर अटैक करे वो सुपर ना, तो एक बार में साफ हो जाता है। तो वो रोबो क्या चीज़ है, रोबो को भी काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ेगा जब हम इससे खेलेंगे। तो देखते हैं भाई, इसका रेंज भी काफ़ी अच्छा होता है, तो हम दूर से ही ब्रॉलर को मार सकते हैं। पिछले बार मैंने यही गलती की थी कि मैं एलपीओ से खेल रहा था, काफ़ी पास का रेंज था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। तो इस बार सबसे अच्छी बात है कि मुझे पता है कि क्या करना है, पिछले बार मुझे बिल्कुल क्लू नहीं था कि गेम कैसे वर्क करता है, यानी मोड कैसे वर्क करता है। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। और मेरे जो 2 और साथी हैं, जिसमें से एक तो वो तीर धनुष वाला है, उसका नाम नहीं मालूम मुझे, और दूसरी तो पैनी है, पैनी मुझे मालूम है, पैनी मेरे पास भी है। और देखते हम वेव 3 तक पहुंच गए हैं, और अभी 1.5 मिनट बाकी है, 1.30 सेकंड्स।
इतने बाकी हैं, 1 मिनट 30 सेकंड, तो इधर तक हमको उलझा के रखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और इधर से भी अटैक हो रहा है, दोनों साइड से अटैक हो रहा है, तो पैनी को अटैक लगातार कर रहा है, उसे साफ़ करना पड़ेगा। बढ़िया, अब ठीक है, यहाँ से एक और रोबोट आ रहा है, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। तो ये गया यहाँ पर, बिग रोबोट इनकमिंग, आखिरकार इनका बॉस आ गया। भाई कब तक तुच्छे मुच्छे लोग को भेजता रहेगा, खुद आ, अभी तेरे को बताते हैं, क्योंकि मेरा सुपर एक्टिव हो चुका है, पास से जाके तुझे मारूंगा तब पता चलेगा। तो एक सुपर एक्टिव किया भाई, अच्छा खासा डैमेज हुआ उसे, लेकिन वो पगला गया इससे, लगातार कुछ रॉकेट टाइप का फेंक रहा है। तो ठीक है, अभी काफ़ी अच्छा डैमेज हुआ है, और फिर से सुपर एक्टिव, एक और सुपर, वाओ, मतलब बिग रोबोट का हेल्थ तो देखो ऑलमोस्ट खत्म, बिग रोबोट इस बार नहीं बचेगा, ओ खत्म भी कर दिया, वाह। अब छोटे मोटे रोबोट बाकी हैं, इनको जल्दी जल्दी खत्म करना है, सिर्फ 30 सेकंड बाकी है, 30 सेकंड तक इनको झेलना है। बढ़िया है, अभी काफ़ी अच्छा तक डैमेज किया है, क्योंकि भाई हमारा सेफ काफ़ी ज़्यादा सेफ है, मतलब कि अभी तक ज़्यादा उतना डैमेज हुआ नहीं है, और इस चैलेंज को तो हम मेरे ख्याल से आराम से कम्प्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इतने देर में तो हम आराम से इसे कम्प्लीट कर लेंगे। इनफैक्ट लेफ्ट अपर साइड में तो उसका परसेंटेज भी बता रहा है अभी, भाई 79% बहुत बाकी है, मैं अभी ख़त्म हो गया, पर कोई बात नहीं, अभी भाई 80% बाकी है हमारा सेफ, तो बिल्कुल सेफ है हम लोग। और अब केवल 9 या 8 सेकंड ही बाकी है, बस ख़त्म, इसके बाद ये चैलेंज में हम कंप्लीट कर लेंगे। भाई काफ़ी डैमेज हुआ, 49% तक डैमेज हुआ, लेकिन हमने सर्वाइव कर लिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसमें लिखा है चैलेंज नॉर्मल क्लियर्ड, ओके, यानी कि एक चैलेंज तो हुआ है और ये नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है, इसमें और आगे भी करना है क्या हमको, और मुझे समझ में नहीं आ रहा नॉर्मल क्यों लिखा हुआ था चैलेंज। तो देखते हैं ब्रॉल पास में जाके, अभी दो हमें एक्टिव हो चुके हैं, तो इसमें से एक खोलते हैं। तो इसमें हमें मिले 51 कॉइंस, शैली के 8 पावर पॉइंट्स मिले हैं, और दो और बाकी है, एल्प्रिमो के 9 मिले हैं, बहुत छोटा मोटा है, और इसके अलावा रोज़ा के 20 मिले हैं, जिससे ये अपग्रेड हो जाएगी, बहुत बढ़िया। तो रोज़ा को हम अपग्रेड कर सकते हैं, और देखते हैं कि एक और कोई चैलेंज, एक और नहीं, एक्टिव नहीं हुआ, एक ही हुआ है इनफैक्ट, बस एक ही बॉक्स खुला, कोई बात नहीं, इससे रोज़ा एक्टिव हो अपग्रेड हो जाएगी, तो उसको अपग्रेड कर लेते हैं। लेवल 5 की पहुंच चुकी है रोज़ा, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि फिर से रॉयल रंबल खेलें कि क्या करें, इनफैक्ट रॉयल रंबल ऑल खेल सकते हैं, इसमें तो न्यू लिखा हुआ है, यानी कि भाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको आगे और खेलना पड़ेगा। तो ठीक है, नॉर्मल में तो कर लिया, आगे लगता है इसकी डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है, तो ये हमने कर लिया। वाइप आउट है हमारे पास में, शो डाउन है, जेम ग्रैब है, आगे देखते हैं कि और क्या क्या खेल सकते हैं। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ वाइप आउट को, मैंने ये गेम भी नहीं खेला हुआ है, तो इस मोड में भी अपन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये शायद इस सीज़न का जो नया सीज़न आया है उसमें नया गेम मोड एक्टिव किया हुआ है इसने, जो सुपर सेल वालों ने। तो देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं, ये बहुत ही अच्छा मैप तो लग रहा है, एकदम रंग मिलंगा कलरफुल टाइप का मैप लग रहा है। 0x8 यानी कि 8 लोगों को मारना है शायद, पॉइंट्स बनाने हैं, ऐसा कुछ है। तो फर्स्ट टेक डाउन एनिमी का, शायद फर्स्ट टेक डाउन हुआ है, उन्होंने एक मार दिया है, तो उनका 2 हो गए इनफैक्ट। ओ हमको 8 लोगों को मारना है, और मैं अभी एक मारता हूँ, एक तो मैंने फिनिश किया, बहुत बढ़िया। और यहाँ से दूर भागना पड़ेगा बहुत ही, भाई मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, यहाँ से थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। और 4 टेक्स डाउन लेफ्ट, यानी कि हम लोग ने काफ़ी अच्छा किया, वाओ हम लोग अब लीड में हैं, उन लोग ने केवल 2 ही पॉइंट कलेक्ट किया है, और हमने 5 कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। मैंने एक दो को अभी टपकाया था, तो हो सकता है उससे पॉइंट बढ़े होंगे। और यहाँ एक और है, ये है नीटा, नीटा को मारना पड़ेगा, एक नीटा को भी मैंने ख़त्म किया, 7 हो गए। और इसी के साथ क्या बात है, लास्ट वाला जो था उसको भी हमने ख़त्म कर दिया, बुल था वो, और इसी के साथ मैं MVP बन गया, ओह स्टार प्लेयर बन गया मैं, मुझे नहीं पता था कि मैंने ख़त्म किया, कितने लोगों को मारा, 3 लोगों को मैंने ही मारा है। ठीक है, बढ़िया, वाइप आउट भी कंप्लीट हुआ, मज़ा आ गया भाई, 2 गेम मोड, 2 नए गेम मोड को मैंने ख़त्म किया। रॉयल रंबल के बारे में बिल्कुल नहीं, रोबो रंबल के बारे में बिल्कुल नहीं पता था मुझे, और साथ में वाइप आउट भी बिल्कुल क्लीन था, फिर भी हमने कर लिया है। अब देखते हैं सोलो शोडाउन, सोलो शोडाउन में देखते हैं कि इस बार नया मैप कौन सा एक्टिव हुआ है जिसको हम खेल सकते हैं। तो ये है सोलो शोडाउन, और ये मैप तो मैंने खेला हुआ है, ये शायद बढ़िया मैप है, ये ओपन पूरे स्पेसेस है, एकदम ओपन है, इसमें ज़्यादा कुछ छुपने का जगह नहीं है। और यहाँ पर एक मुझे चेस दिख रहा है, तो इसे ले लेते हैं, बढ़िया। अभी मेरे को इससे काफ़ी सारे क्वेस्ट पूरे करने हैं बुल से, तो ये मॉडिफायर्स के साथ में है, मॉडिफायर्स मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बीच बीच में कुछ आ जाते हैं, जो पिछले बार मशरूम वाले थे वो आ जाते थे, इस बार मेरे ख्याल से पावर बूस्टर टाइप का कुछ आएगा,
तो ओ ये अटैक कर रहा है पीछे से, अभी इसको बताना पड़ेगा। ये एक मारा, दो मारा, भाई मेरा रीलोडिंग ले रहा है, गदम क्या बात है। अभी 6 ही लोग बाकी हैं और एक जो उसने मारा था, 4 मैंने क्यूब्स कलेक्ट कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। एक यहाँ हुआ और ये मेरे पीछे एक बेयर पड़ गया है, अभी देखते हैं कि ये आता है तो मारता हूँ उसको मैं। तो नीटा भी आसपास ही होगी क्योंकि उसका सुपर एक्टिव हुआ है और सीधा मेरे ऊपर ही अटैक किया है। तो ठीक है, अभी केवल 3 ही लोग बाकी हैं, 3 ही ब्रॉलर्स बाकी हैं, जिसमें एक तो दिख नहीं रही है मुझे, शायद नीटा ही होगी और दूसरा कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो 3 टोटल है, मैं यहीं पर रह के थोड़ा सा वेट करूँगा भाई। सेंटर जगह पर है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम खेल सकते हैं। और ये रहा वो मॉडिफायर्स जिसके बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखते हैं। ओ यहाँ पर एक कप टाइप का आया जिससे मुझे पावर मिली और मैं बड़ा हो गया और काफ़ी ज़्यादा तेज भी हो गया। ओ ये मॉडिफायर्स काफ़ी अच्छे हैं, ओ ये बहुत ही अच्छे हैं, वाओ इस बॉडी और चाहिए मुझे। और कहाँ मिलेगा ये मॉडिफायर्स देखना पड़ेगा भाई, बहुत ही शानदार। मतलब सामने वाले को अगर मिल गया तो उससे बहुत तेज भागना पड़ेगा। वो वहाँ पर एक्टिव भी है उसको, देखो वहाँ पर वो है और वो उसको मिला हुआ है सुपर, सुपर नहीं है जो मॉडिफायर्स है वो मिले हुए हैं। तो एक मैं भी ले लेता हूँ, 2 ही बाकी हैं। तो ये सुपर एक्टिव हुआ यानी मॉडिफायर्स एक्टिव हुआ, अब हम बीचों बीच चलते हैं। वहाँ एक और कोने में दिख रहा है पर गई कहाँ वो समझ नहीं आ रहा है, अभी तो यहीं थी, यहाँ नहीं है तो कहाँ चली गई, यहाँ छुपी हुई तो नहीं, ओ अपने आप मर गई। तो इसी के साथ ये गेम मोड भी ख़त्म हुआ, नंबर 1 यानी 10 ट्रॉफीज अंदर 100 ट्रॉफीज हो गए बुल की। और इसके साथ काफ़ी सारे क्वेस्ट मेरे कंप्लीट हो रहे हैं, 8 बैटल जीतना था जिसमें से 7 कंप्लीट कर चुका हूँ, विन 5 बैटल्स विद बुल जिसमें से 2 हो चुके हैं, डिफीट 9 एनिमीज जिसमें से 2 मैंने कर लिए हैं। तो काफ़ी सारे क्वेस्ट एक साथ चल रहे हैं और बुल के साथ खेलने में ठीक है, ये सब क्वेस्ट एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं कि इस वीडियो के एंड तक हम कितने ट्रॉफीज तक पहुंच सकते हैं। अभी जो हमने स्पेशल इवेंट किया खेला था वो रोबो रंबल वाला, वो उससे हमको ट्रॉफीज तो नहीं मिले लेकिन ठीक है, मज़ा आया खेलने में, नया टाइप का गेम मोड था। शायद वाइपआउट में भी हमको कोई ट्रॉफीज नहीं मिले, इसलिए इतने गेम खेलने के बाद भी मेरे को केवल 18 ही ट्रॉफी मिले हैं। तो 718 ट्रॉफीज हुए हैं, अभी काफ़ी पीछे हूँ मैं। मैंने सोचा था कि भाई काफ़ी आगे निकल जाऊँगा, अभी देखते हैं कि जैम क्रैब खेल के देख लेते हैं भाई। नया हर मैप को एक बार ट्राई करना चाहिए कि कौन कौन से नए मैप आए हैं, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। लेकिन प्लेयर फाउंड दिखा रहा है बहुत ही देर से और अब जाके 5 हुआ है, अब 6 हुआ है। तो देखते हैं कि जैम क्रैब में ये थोड़ा अलग टाइप का मैप है, इसने ये मैंने पहली बार खेल रहा हूँ मैं। तो ठीक है, यहाँ निकलते हैं और जैम बीच में है। ओ यहाँ पर तो उसके पास कोल्ट है, ओह भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया, ऑलमोस्ट मेरा हेल्थ ख़त्म हो गया और अभी रिकवर होने में टाइम लगेगा भाई। बीच में देखते हैं, अभी उनके पास में एक जैम, हमारे पास ए में एक जैम है और मेरा प्लेयर तो गया काम से, और उनके पास में ये कोल्ट है, ये बहुत ख़तरनाक है, उसको पास से मैं मारूंगा तब भी वो दो लोग ने मुझे मार दिया, यानी बार्ली का भी था और साथ में कोल्ट में भी मुझे मारा, तो इसके कारण ख़त्म हो गया। अभी एनिमीज काफ़ी ज़्यादा लीड में है, 4 जेम्स हैं उनके पास में और ये कोल्ट तो भाई ख़तरनाक, कौन से लेवल का कोल्ट है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डैमेज इतना ज़्यादा कर रहा है कि मैं क्या बताऊँ भाई। गोली से मैं बच ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन से हट जाऊँ लेकिन वो मौका ही नहीं दे रहा। और बुल के साथ प्रॉब्लम ये है कि भाई उसको पास जाके मारना पड़ता है तब जाके भाई वो असर करता है। तो यहाँ पर एक को मैंने ख़त्म किया, ये पास में पहुँचता हूँ उसके, लेकिन थोड़ा सा दूर हो गया, ओ बचना पड़ेगा उसको, यहाँ से भागना पड़ेगा मुझे, इनके रेंज से भागना पड़ेगा। ओ भाई बार्ली मुझ पर लगातार अटैक कर रहा है, ओ डैमेज तो ऐसा हुआ है कि पूछो मत, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा मैं हेल्थ को रिकवर कर लूँ। और एनिमीज के बस तो 9 जेम्स हो चुके हैं, 10 जेम्स हो चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जेम्स है ये कोल्ट के पास में है, इसको मैं मारता हूँ। ओह मैंने मार दिया, बहुत बढ़िया, ओह मैंने कलेक्ट किए थे मैं भी मर गया। मतलब यहाँ सीसॉ का गेम चल रहा है, कभी उन लोग आगे हो जाते हैं कभी हम लोग आगे हो जाते हैं। तो हमारी साइड भी एक कोल्ट है, ओ मैंने ध्यान नहीं दिया था, हमारी साइड भी एक कोल्ट है और लगातार वो कोल्ट जो दूसरा वाला एनिमी वाला है वो बहुत ही ख़तरनाक है, वो ज़ोरदार अटैक कर रहा है और वो फिर से कलेक्ट कर लिया, 13 ट्रॉफीज तो उसके हो गए हैं। मैं अभी उसको मारता हूँ, अभी मैंने पूरे कलेक्ट कर लिए हैं, अब मैं यहाँ से भागता हूँ क्योंकि भाई मेरे पास 10 जेम्स हैं। अब यहाँ आराम से छुप के बैठना है जब तक कि एनिमी आते नहीं हैं, यहाँ सेफ रहना है भाई। और यहाँ एनिमीज आ गए हैं, अभी से 5 सेकेंड बाकी हैं जो कि मैं, ओ मेरे पास डैमेज भी हुआ है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं हम जीत गए आखिरकार भाई। सी सौ होते हुए कभी ऐसा लग रहा था हम जीतेंगे कभी वो जीतेंगे, बार बार इधर उधर हो रहा था, लेकिन फाइनली हमने कर लिया और साथ में मेरा एक क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया, स्टार प्लेयर भी रहा, बहुत बढ़िया। ये गेम बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया।
देखते हैं कि इससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। हमको टोकन्स काफ़ी सारे मिले हैं लेकिन रिवॉर्ड कोई भी अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, 726 हमारे पास ट्रॉफीज हो चुके हैं, 750 करने पड़ेंगे तब जाके कोई एक बॉक्स अनलॉक होगा। अभी बहुत सारे क्वेस्ट अभी भी बाकी हैं, बुल के साथ में ही काफ़ी सारे क्वेस्ट बाकी हैं जिसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा एल प्रीमो के हैं, उसके अलावा बार्ली के हैं, उसके अलावा कोल्ट के हैं, पैनी के हैं और नीटा के हैं, रोज़ा के हैं, बाप रे बाप। और हर एक गेम मोड के हैं, मतलब सोलो शोडाउन में भी हैं, ब्रॉल बॉल में भी है, खूब सारे हैं भाई। यानी इन क्वेस्ट को कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो फिर वेट किस बात का भाई, एक गेम हम ब्रॉल बॉल के साथ भी खेल लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा नया मैप है जिसको हम खेल सकते हैं। और ये भी 5 out of 6, यानी 6 out of 6 हो गया, यानी कि मैच फाउंड हो चुका है। तो ये है ब्रॉल बॉल, और अब देखते हैं कि ब्रॉल बॉल में अपन कैसे करते हैं। बीचों बीच में ब्रॉल है बॉल और यहाँ अटैक चालू हो गया लगातार और कहीं कोई मौका नहीं। मतलब मैंने सोचा था कि एनिमीज़ को मैं मारूंगा लेकिन एनिमीज़ ने मुझे मार दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक हमारा प्लेयर शायद क्यों काम नहीं कर रहा है क्या वो, ओके, काफ़ी देर तक खड़ा रहा था, मुझे लगा कि उसका लिंक चला गया होगा। तो ये लगातार अटैक कर रहे हैं, ये दोनों की जोड़ी भाई पिछले गेम में भी बहुत परेशान की थी मुझे। तो कोल्ड को तो मैंने मारा है, बार्ली भी लगातार आ रहा है, बार्ली का हेल्थ अच्छा ज़्यादा होता नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसको वहाँ तक ले जाने का। रोज़ा लगातार मुझ पर अटैक कर रही है और साथ में कोल्ड भी आ गया, बाप रे बाप, लगातार गोली की बौछार कर दी मेरे ऊपर और मैं ख़त्म हो गया। तो अभी मैं तुरंत एक्टिव होता हूँ, अभी बॉल है हमारे एनिमीज़ के पास में है, उनको ज़्यादा मौका नहीं देना। यहाँ से आ रहा है बॉली, ओ इसको रोकना है, जल्दी से मारते हैं इसको भाई। ओ एक भी नहीं पड़ा उसे अभी तक, ओ नहीं, ओहो मैं भाई एक भी शॉट मेरा उसे पड़ा नहीं। मैं चाह रहा था कि भाई पड़ता तो उससे कम से कम कुछ असर होता, लेकिन भाई बच गया वो। और यहाँ से मैंने एक्टिव तो किया लेकिन सुपर कहीं नहीं चाह रहा भाई, एकदम आखिरी तक पहुँचा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, और एक और गोल और हम हार गए, बहुत बुरी तरीके से हारे भाई, पूछो मत। चलो कोई बात नहीं, हर गेम में हम जीत नहीं सकते। तो भाई ये था वीडियो, होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।